पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वेमेन चिल्ड्रन यूथ एंड स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर बलराम पानी प्रोफेसर श्री प्रकाश डॉक्टर विकास गुप्ता प्रोफेसर पंकज अरोड़ा प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हेड्स प्रिंसिपल्स फैकल्टी मेंबर्स नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी और यहां पर आए हुए बहुत सारे आगे बैठे मेरे बच्चे जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल से आए हैं और इस कार्यक्रम को तैयार करने में जिसने मुख्य भूमिका निभाई डॉक्टर अभिषेक टंडन आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्री प्रकाश ने बताया कि 100 साल का हो गया तो 100 साल पहले जब ये बना तब उन्होंने सोचा होगा कि ये इतना अच्छा बन जाएगा और 100 साल बाद इतना अच्छा कार्यक्रम होगा एक इतने बड़े ग्राउंड में आप सारे होंगे आप सब इसके साक्षी बने इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने भारत का नाम किया उनका जैसे ही नाम आता है तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। अभी जैसे ही थोड़ा भी आगे हम बढ़ते हैं और मैं नीरज चोपड़ा जी का नाम लेता हूं तो आप सारे खुश होते हैं। बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जो नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहोगे? हाँ, और उसके लिए फिट रहना बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए भारत सरकार ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम लिया कि फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में किया। तो ये एक दिन का नहीं है, आप सारे फिट रहना चाहोगे जिंदगी में। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। देखो, खेलना दो तरह का है। एक तो क्या है, आप खेलो नीरज चोपड़ा बनने के लिए, एक खेलो फिट बनने के लिए। दोनों बहुत जरूरी है। इसके कारण हमारी जिंदगी में स्पोर्ट्स रहे, कोई ना कोई रहे, ताकि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना भी नाम करें, परिवार का भी नाम करें। यही कार्यक्रम को बनाने का हमारी एक प्रेरणा है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आगे से स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे? और आपको खुशी होगी, विश्वविद्यालय अब फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत एक वैल्यू एडेड कोर्स भी शुरू कर रहा है, स्पोर्ट्स 1 भी, स्पोर्ट्स 2 भी। यानी स्पोर्ट्स में अगर आप रहेंगे तो भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। हर चीज करिकुलम का पार्ट होगी, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, ऐसा हमने करने का प्रयास किया है। आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। Address the gathering. गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर आप सभी को बधाई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं और अलग अलग फील्ड के बहुत अच्छे स्टूडेंट निकाले हैं और मैं आगे भी कामना करता हूं और भगवान से यही दुआ करूंगा कि और अच्छे अच्छे स्टूडेंट या एथलीट्स यहां से निकलें। और आज के रन के लिए आप सभी को बधाई। इसको एक दिन के लिए ना लें, इसको अपनी लाइफ में जोड़ लें, क्योंकि आपको पता है कि ये पिछले 2 साल ने हमको कितना सिखाया कि फिटनेस कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इसको कंटिन्यू रखें और मैं आप सभी की हेल्दी रहने की और भगवान से ही दुआ करूंगा कि आप सभी खुश रहें, हेल्दी रहें और अपनी लाइफ में जो जो आपके गोल है वो अचीव करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पर ये गलत साबित कर दिए नीरज जी ने। मे आई नाउ रिक्वेस्ट